rebels. This is Arki Azad. आप देख रहे हैं Prime News TV Today और यहाँ के हालात पर आप नजर है, खबरों पर पूरी नजर है, आप देख रहे हैं। शहर हैदराबाद में हैदराबाद ट्रैफिक जाम पर पुलिस की तरफ से ऑपरेशन रूट 6 महीने के अंदर हमने ट्रैफिक को सिस्टमैटिक बनाने का प्लान, कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद का बयान, ओहदेदार हैं एसआई एंड अबव रैंक, उनसे हमने एक मीटिंग किया था कि कंप्लेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं ट्रैफिक के बारे में और पब्लिक से कि हर जगह ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो इसके बारे में एक रिव्यू हुआ था। रिव्यू के बाद आज एक ट्रैफिक का एक्शन प्लान जो है हमारे अफसरान जो है अगले 3 से 6 महीने तक इसको अमल करेंगे। इसमें हम नोट करने वाली बात यह है कि कोविड के समय में पर्सनल व्हीकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी 77 लाख हैदराबाद के शहरों में शहर में ये घूम रहे हैं और पर्सनल व्हीकल्स जो हैं कार्स, मोटरसाइकिल्स, फोर व्हीलर्स, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि इन्फेक्शन का डर था तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम इस्तेमाल किए हैं और ज़्यादातर अपने टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स खरीद कर अपना ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तो इसीलिए बहुत व्हीकलर पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। और उसी समय कोविड की वजह से एनफोर्समेंट जो है ट्रैफिक पुलिस का वो भी कम हो गया था, क्योंकि 2 साल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जो माल बेचना है लोगों को अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो काम करते हैं जो हॉकर्स हैं उनका भी बहुत मुश्किलात थे और इसीलिए तो एनफोर्समेंट भी कम हो गया था। पर अभी ऐसा वक्त आ गया है कि अगर ट्रैफिक पुलिस एक्ट नहीं करेगा तो आगे चल के ट्रैफिक फ्लो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए आवाम सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो ट्रैफिक पुलिस वाले आगे चल के थोड़े कार्रवाई करने